हेलो गाइस, दिस इज़ नवीद इलेक्ट्रिशियन और ये देख सकते हैं प्राइमस का एक डिलक्स ट्विनर है जो कि हम लोग स्पेशली हरन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे तो इसको बाइक, ऑटो, लारी, कार कोई भी गाड़ी में लगा सकते हैं, नो ऑब्जेक्शन। कोई छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी, ट्रैक्टर में, कार में, हर गाड़ी में लगा सकते हैं। तो इसको पहले एक बार डब्बे से बाहर निकालेंगे तो देख सकते हैं ये कुछ देखने को इस तरह दिखता है। मतलब बहुत छोटा सा साइज़ है और बहुत यूनिक और एकदम इसका जो यूज़ है ना बहुत यूनिक है। देखो, सबसे पहले आपको एक वॉल्यूम का बटन मिल जाता है, इसकी मदद से आप हरन को कम ज़्यादा, और ये जो येलो कलर का बटन दिख रहा है आप इसको स्पीड को कम ज़्यादा इससे कर सकते हैं। और इसके बाद में जो बड़ा वाला बटन देख रहे हैं आप, सबसे खास और इम्पॉर्टेंट यही है, इसके अंदर चार पैटर्न है। देखो, ये एक, दो, तीन, चार, मतलब ये हो गए चार पैटर्न हो गए। इससे आपको क्या करेंगे, जब आप हरन को बजाएंगे ना तो चार किस्म के अलग अलग आवाज़ आते हैं। ओके, उसके साथ क्या है, देखो इसके, और एक बात, इसमें देखो टोटल चार वायर है आपको कनेक्शन। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे गाड़ियों में तो बहुत आसान है। देखो, सबसे पहले एक रेड वायर है और एक ब्लैक वायर है। ये तो हो गया हमारा बैटरी का, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव। और ये जो येलो कलर के वायर देख रहे हैं ये जाएंगे सीधे हरन को, मतलब ये जो दो वायर है सीधे हरन तक जाएंगे। और इस वाले वीडियो में हम लोग ये हरन इस्तेमाल कर रहे हैं, मिंडा का हरन है ये, मिंडा कंपनी का, 100-150 रुपये में मिल जाता आपको कोई भी लोकल ऑटो स्टोर में। तो हम इस वाले वीडियो में इसको इस्तेमाल करेंगे। और एक बात मैं ऑटो में लगा के बता रहा हूँ, इसको देख सकते हैं ये वही गाड़ी है जो एलईडी लाइट इस वाले वीडियो में मैं बताया था। और ये देख सकते हैं ये हमारा हरन। और एक ख़ास बात, एक भी वायर काटने वाले नहीं है हम लोग, बिना वायरों को काटे मैं आपको लगा के बताऊंगा। इसका तरीका बहुत आसान है। तो सबसे पहले जो हरन के वायर थे दो, उसको बाजू कर दो, निकाल दो। निकालने के बाद ये जो हरन है इसको खोल लेंगे हम। खोलने के बाद क्या करेंगे, इसके साथ नया हरन अटैच करेंगे, फिर जाके इसका जो कनेक्शन है वायरिंग का वो देंगे। तो देख सकते हैं हरन निकाल लिए। हरन निकालने के बाद इसके साथ एक ये 8 नंबर का नट है, उसको खोल लेंगे। सबसे पहले ये 8 नंबर का जो नट आप जब खोल लेंगे ना तो इसका जो हरन का पट्टी देख रहे हैं आप, ये पट्टी बाहर आ जाता। ये पट्टी बाहर आने के बाद हरन को बाजू कर दो, देख सकते हैं ये। फिर क्या करना, आपको पुराना वाला एक पट्टी ले लेना, ऐसा वाला कोई भी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर या मैकेनिक की दुकान पर मिल जाता आपको। वो पट्टी लेने के बाद देख सकते हैं इसको कुछ इस तरह टाइट करना, अभी जैसे स्क्रीन पर देख रहे बिल्कुल इसी डायरेक्शन में आपको ये पट्टी को अच्छे से फिट कर लेना है। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये तो हो गया हमारा। उसके बाद देखो, एक 13 नंबर का बोल्ट ले लेना है, और ये पट्टी जैसा देख रहे हैं बोल्ट यहाँ बाहर की तरफ है, यहाँ पर भी ये बोल्ट लगाना है। तो उसके लिए क्या करना है हमको, ये जो हरन का जो लॉक्स है, मतलब ये आयरन के जो पट्टी है जो छोटे छोटे, इसको बाहर निकालो। फिर ये जो रबर है इसको भी बाहर निकाल दो। निकालने के बाद देखो, अभी रबर निकल गया। अब क्या करना हमको, ये इस वाला बोल्ट, ये बोल्ट जैसा है, ये जो नया बोल्ट है इसको भी, मतलब दोनों को सेम डायरेक्शन में लगा देना है। लगाने के बाद क्या है, सबसे पहले नया हरन है इसको ऐसे लगा देंगे, उसके बाद ये पुराना हरन है उसको भी कुछ इस तरह लगा दो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। उसके बाद ये इसका जो नट है उसको अच्छे से टाइट कर देंगे, कस देंगे हम। ओके, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह आपको, मतलब अच्छे से टाइट कर लेना है। नट करने के बाद ये दो जोड़ी दो देख रहे हैं आप, ये बोल्ट देखो ऊपर, ये दो पट्टी हो गए, और ये जो हरन के जो क्लिप्स है देखो, यहाँ दो, यहाँ दो, मतलब ऊपर की तरफ आना हरन के क्लिप्स। ओके, तो ये तो हो गए हमारे दोनों क्लिप्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो अब इस हरन को क्या है, गाड़ी में वापस से फिट कर देंगे। जैसा खोले थे बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही फिट करना है आपको, पर इसमें सिर्फ चेंज क्या हुआ, पहले हरन सेंटर में था, अभी थोड़ा सा साइड में हो गया। ओके, और उसके बाद देखो, ये दो वायर है जिसको हम हरन के क्लिप्स लगा के है ऑलरेडी, और एक उसके साथ आपके पास अगर ऐसा वाला क्लिप है तो बना लो, या फिर अगर ऐसा क्लिप नहीं भी रहा तो डायरेक्ट भी आप चाहे तो बोल्ट को लगा सकते हैं, हरन का जो नट बोल्ट है उसके साथ लगा के आप इसकी अर्थिंग को इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो दो बोल्ट है, चाहे तो आप इस तरह नीचे लगा सकते हैं, या फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि ऊपर लगाओ। क्यों बोले तो यहाँ ऊपर लगाने से क्या है, अर्थिंग ज़्यादा मिलता आपको और सही से मिलता। उसके बाद क्या है, जो पट्टी का जो नट था उसको अच्छे से फिट कर देंगे, टाइट कर देंगे। उसके बाद देखो, अब ये जो दो वायर है अर्थिंग के, दोनों वायर को क्या है, अब इसमें देखो हरन में कोई प्लस और माइनस नहीं रहता, तो जहाँ आपको समझ में आया इस लेफ्ट वाले हरन को एक वायर और राइट वाले हरन को एक वायर लगा दो। देख सकते दो वायर लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो वायर है ना ये शोरूम के साथ है, मतलब कंपनी फिटिंग है ये, इसको डिस्टर्ब नहीं करने वाले हम। इस ये जो पैकिंग है, इस पैकिंग को बाहर निकालना है रबर को। उसके बाद देखो, एक वायर लेना है आपको करीब करीब 2 मीटर का, देख सकते ये मेरे पास रेड कलर का वायर है, कोई भी कलर रहा उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको वायर ले लेना है 4 mm या फिर 5 mm। उसके साथ देखो, ऐसा वाला एक रबर ले लेना है, मतलब पाइप है ये, एक स्लीव बोलते हैं इसको, अगर आपके पास है तो ओके, नहीं भी रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस स्लीव के अंदर क्या, हम इस वायर को डाल देंगे ताकि काम में क्या है नीटनेस हो और ज़्यादा सेफ्टी हो सके हमारी।
तो उसके लिए देखो दो वायर को तो हम पाइप में डाल लिए, अब उसके बाद क्या है इसके जो हरन के जो क्लिप है ना इसमें इस वायर को बिठा देंगे। तो सबसे पहले ये वायरों को थोड़ा सा छिल लेना है, छिलने के बाद इसको अच्छे से थोड़ा बेंड कर दो। उसके बाद देखो ये हरन का क्लिप है, कोई भी आपको लोकल के जो ऑटोमोबाइल स्टोर रहते ना वहाँ पर मिल जाता है आपको 5-6 रुपये 7 रुपये में को। तो आपको देखो कुछ इसको इस तरह बिठा लेना है अच्छे से। बिठाने के बाद क्या करेंगे, देखो हरन के जो अर्थिंग वायर है ऑलरेडी पहले फिट कर दिए हम लोग, अभी ये जो दो वायर देख रहे हैं अभी ये हमारा मेन का काम करेंगे। ओके, तो इसी वाले होल में से हम वायर को अंदर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अर्थिंग वायर तो लगा दिए, उसके बाजू में देखो यहाँ पर एक मेन वायर लगाएंगे नए वाले हरन को, और जो गाड़ी के साथ हरन आया उसको एक मेन वायर लगा देंगे। तो देख सकते लगभग बाहर का जो कनेक्शन था हमारा कंप्लीट हो गया टोटल। अब बारी है ये वायर को अंदर लेके जाना गाड़ी के। ओके, तो अंदर कैसे ले जाना है हमको, तो देख सकते हैं ये वायर जो है इसको क्या करो, ये जो रबर दिख रहा है आपको देख सकते हैं ये वाला, ये जो रबर है ना इस रबर के अंदर से डाल देना आपको वायर को। इससे क्या होता है आपकी वायर कभी कटने के चांसेस नहीं रहते। ओके, तो देख सकते हैं मैं अभी जैसा देख रहे वीडियो में बिल्कुल ऐसा इस रबर के अंदर से आपको ये पाइप को लगा देना है। लगाने के बाद ये जो दो वायर है इस वाले होल से अंदर कर दो, मतलब बाहर से क्या है ये अब ये वायर हमारी अंदर चले जाएंगी। अंदर जाने के बाद इसको वापस से जब आप इस रबर को अंदर की तरफ ढक लेंगे ना तो देखो जैसा था बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही हो गया, मतलब हम कोई छेड़खानी नहीं करें इसमें। और ये जो दो वायर देख रहे हैं आप ये वाले जो वायर ये है हमारे शोरूम के साथ आए, तो अब इसको ये वायर को हम कभी काटे नहीं और कोई डिस्टर्ब नहीं करे, तो इसको क्या करेंगे एक बाजू रख देंगे, मतलब इससे कोई डिस्टर्बेंस ना हो उसके लिए एक बाजू करके थोड़ा सा टेप लगा देंगे। अब मतलब ये एकदम सेफ हो गए, सुरक्षित हो गए, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे अंदर का काम है, अभी हमको अंदर जाने के बाद देखेंगे कुछ इस तरह ब्रेक पैंडल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो अभी जो हम बाहर से वायर डाले थे देखो वो दो वायर है ये स्लीव के साथ है, मतलब बाहर निकल गए। अब क्या करना है हमको, ये वायर थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा हो गया तो इसको हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। आप चाहे तो कटआउट को यहाँ लगाओ, यहाँ पे लगाओ, या फिर आगे कहीं पर भी लगा सकते, पर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा लगाने का, आप वहाँ पे लगाओ 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं, आपके सिवा किसी और को मालूम नहीं होगा। और ये वाटर प्रूफ भी बन सकता अगर आप यहाँ लगाएंगे, मतलब यहाँ बोल तो बाहर से नहीं अंदर से कुछ इस तरह देख सकते, ऐसा अगर आप लगाएंगे ना तो एक आपके अलावा किसी और को मालूम नहीं होगा ये, दूसरा चोरी होने का डर नहीं। अगर आप कभी गाड़ी को पानी से धोएंगे या ज़्यादा वाटर सर्विसिंग भी कराए ना तो इसमें पानी जाने के बिल्कुल ही चांस नहीं रहेंगे। ओके, तो उसके लिए क्या करना है आपको, देखो जो एक्स्ट्रा हो गई थी वायर उसको काट दिए हम, अब हम क्या करेंगे जो वायरों का कनेक्शन है उसको कर देंगे। तो सबसे पहले ये जो येलो कलर के दो वायर इसको हम कनेक्शन में जोड़ देंगे, तो देख सकते दोनों वायर को छिल्लिया में। अभी जो बाहर हरन से दो वायर आए ना अंदर, ये दो वायरों में इन दो वायरों को जोड़ दो, इसमें कोई प्लस माइनस और लेफ्ट और राइट नहीं रहता, कोई भी वायर किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं आप। ये बरल दो वायर जो येलो कलर के वायर है ये हरन के साथ जुड़े हुए रहेंगे। ओके, तो उसके बाद थोड़ा सा इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे ताकि कभी ये रनिंग में निकल ना जाए। उसके बाद क्या करेंगे, अच्छे से इसको टेप लगा देंगे ताकि कभी शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ना हो। तो देख सकते दो वायर ऑलरेडी परफेक्टली फिट हो गए हमारे। अब बारी आई इसका कनेक्शन की बार। ओके, मतलब अभी देखो दो वायर और है, तो ये एक सबसे पहले जो ब्लैक वाला वायर है अर्थिंग का उस वायर को जोड़ लिया मैं, देख सकते हैं ब्लैक वाले वायर के साथ लाल वाला वायर जोड़ा मैं, इसमें कलर कोई मायने नहीं रखता, कोई भी वायर जोड़ सकते। देखो ये हरन का बटन है और यहाँ से होते हुए वायर हमारा जो है नीचे की तरफ आ रहा। यहाँ पे आपको दो कपलर मिलेंगे देख सकते, एक रेड कलर का है और एक दूसरा है हमारा वाइट कलर का ये बाजू वाला। तो इस वाले वाइट वाले कपलर को आपको क्या है बाहर निकालना है सबसे पहले, इसी से हम कनेक्शन देंगे यहाँ पे। और इसमें भी हम कोई वायर को काटने वाले नहीं है और छिलने वाले भी नहीं है, बिना आपके वायर को काटे मैं आपको लगाने का तरीका बताऊँगा। तो देखो ये है हमारा कपलर, तो इससे हमको कनेक्शन ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे हरन के बटन से जब आप बाजू देखेंगे तो यहाँ एक छोटा सा स्क्रू देखने को मिलता है आपको, चाहे आपकी गाड़ी BS 3, 4, 6 कोई भी हो, आपको यहाँ पर एक स्क्रू रहता जिसकी मदद से ये जो वायर देख रहे हैं ना आप यहाँ पे लगा हुआ रहता। तो इस स्क्रू को थोड़ा सा खोल लो, खोलने के बाद देखो ये जो वायर है ना नीचे का थोड़ा सा ढीला हो जाता, बाहर आता देख सकते। अभी ये बाहर जब ये जो क्लिप है ना बाहर आने से आपको थोड़ी आसानी होती, तो ये जो एरो देख रहे हैं आप इसको और इस वाले ये दो शॉकेट को याद रख लो, इसमें वायर लगाना है हमको। तो क्या करेंगे देखो यहाँ पे जो ब्लैक वाला वायर देख रहे हैं आप, ब्लैक प्लस येलो कलर का ये हो गया अर्थिंग का, और उसके बिल्कुल बाजू जो देख रहे हैं आप देख सकते ये वाला ग्रीन वाला जो वायर है ये है हमारे बटन का अर्थिंग वायर, इस वाले वायर से हमको जोड़ना है ब्लैक कलर का वायर। तो ओके देख सकते ये हमारा ब्लैक कलर का वायर, मतलब ये ग्राउंड वायर हो गया अर्थिंग वायर। ओके, अब ये वायर को क्या करेंगे हम वो ग्रीन वायर के साथ जोड़ेंगे डायरेक्ट, आप अगर उसमें लगाना चाहेंगे तो नहीं आता। तो अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वायर के अंदर का जो तांबा है ना इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, मतलब करीब करीब इसमें 16 से 18 तांबा आते, मतलब 18 लेयर आते, तो उसमें आधे लेयर को काट दो जैसा अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। तो इससे क्या है ये जो वायर का साइज़ है थोड़ा सा बारीक हो जाता है और ये क्लिप के अंदर अच्छे से फिट हो जाता है। ओके, तो देख सकते हम आधा कर दिए। अब क्या करेंगे
यहाँ मैं बताया था आपको कि देखो ये सेंटर है, तो इसके लास्ट वाले में मतलब ग्रीन कलर का जो वायर है उसके अंदर कुछ इस तरह से ऐड करेंगे। अब अगर आप ऐसा फिट करेंगे ना तो आपको एक सबसे सेफ्टी क्या बात है बोले तो, एक तो आपको कोई भी वायर को काटना और डैमेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो काट के भी लगा सकते या फिर आप ऐसा भी लगा रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मर्जी आपकी, कैसा भी लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं अर्थिंग का वायर तो हम लोग दे दिए। अब रहा सवाल मेन वायर का, देख सकते हैं एक मेन वायर बच गया, ये है हमारा पॉजिटिव वायर, तो इसको भी हम लगा देंगे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा छिल लेंगे, छिलने के बाद एक और वायर है हमारे पास रेड कलर का, मतलब पूरा वायर रेड कलर का ही है। चाहे तो आपके पास कलर है तो यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी कलर का वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खैर जो भी हो, तो इसको भी देखो हम लोग अच्छे से जोड़ दिए। अब हमको क्या करना है, इसमें देखो करीब करीब आधा मीटर मतलब एक से डेढ़ फिट का उतना वायर रख लेना है, बाकी का काट दो। अब क्या करेंगे, ये जो मेन वायर है इसको आपको इग्निशन में देना है, ना कि बैटरी में। तो इग्निशन आपको कहाँ मिलेगा, देखो ये ब्रेक पैडल है बिल्कुल इसके ऊपर, और ये BS6 की गाड़ी के लिए बोल रहा हूँ मैं स्पेशली, तो उसके बिल्कुल ऊपर एक कपलर मिलता है आपको कुछ इस तरह तीन वायर वाला। तो ये जो तीन वायर वाला कपलर है इसको निकाल लेंगे बाहर सबसे पहले। देखो मैं निकाल लिया, निकालने के बाद इसके अंदर तीन वायर है तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, मतलब कन्फ्यूज नहीं होना है। देखो ये दोनों को छोड़ दो, ये जो लास्ट वाला दिख रहा है आपको राइट साइड वाला, इसके अंदर ये वायर को जोड़ देना बस, ओके। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह, अभी जैसा मैं अर्थिंग वायर को जोड़ा था बिल्कुल ऐसा ही मेन वायर को भी जोड़ना है। देखो अभी आपको मैं डेमो बताया था, देखो जब आप हरन को दबाएंगे ना हरन का बटन, तो आपको कुछ इस तरह लाइट भी आते और बाहर हरन भी बजता। तो देख सकते मतलब दो तीन मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा अभी, देखो मतलब हरन भी बजेगा और आपको यहाँ पे लाइट भी देखने को मिलेगा, यही इसकी खास बात है। देखो और भी इसमें बहुत से यूनिक साउंड्स है, तो मैं भी आपको बस डेमो बता रहा हूँ। तो देख सकते ये भी एक डेमो था, एक और देख लो, और ये बटन दबाने के बाद भी देखेंगे तो स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाता। और एक उसके साथ देखो ये भी एक है, ये तो हो गया हरन, और ये देखो यहाँ पे स्पीड आप स्लो और फास्ट भी कर सकते, देख सकते मतलब ये जो वॉल्यूम मेकर है ना, इससे आप हरन का जो स्पीड है साउंड वाला स्पीड उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखो मतलब ये जो कटआउट है ना दिखने में बहुत छोटा है पर बहुत यूनिक और बहुत मस्त ज़बरदस्त आइटम है। तो मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी गाड़ी में अगर आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं तो इसको ज़रूर लगाओ। और एक बात, इसको फिटिंग की बारी आई तो आप चाहे तो इसको स्क्रू लगा सकते हैं, या फिर मैं कहूंगा कि कुछ इस तरह जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं आप इसको फेविकिक लगा दो। अच्छे से फेविकिक लगाने के बाद देखो कुछ इस तरह अंदर से लगाओ इसको, ताकि आपके अलावा किसी और को मालूम ना हो सके ये। इससे क्या होता, चोरी होने का डर नहीं रहता और पानी जाके ख़राब होने का डर नहीं। देखो एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, तो और भी बहुत से साउंड है इसमें। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ या कोई ऐसे लोग जो ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो उनके पास भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो अगर आपको ये ख़रीदना है तो इसी वीडियो के नीचे लिंक है देखो डिस्क्रिप्शन में, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से ख़रीद सकते। और एक बात कि आप लोग कॉमेडी वीडियोज़ देखते, अगर देखते तो ओके, अगर नहीं भी देखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जो दो स्क्रीन पर आ रहे हैं आपके वीडियो, तो इसमें से कोई एक को भी क्लिक करके देख लो, ये भी मेरे अपने ही है मतलब अपने ही चैनल की वीडियोज़ है। तो इस पर भी थोड़ा सा सपोर्ट करना, इस वीडियो को भी लाइक करना और शेयर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।